में बदल जाए ये कह नहीं सकते हैं। ऐसे ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है। गर्लफ्रेंड ने कहा नामर्द तो बॉयफ्रेंड ने उतारा मौत के घाट और शव को फेंका रेलवे ट्रैक पर। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। गर्लफ्रेंड ने बोला नामर्द तो बॉयफ्रेंड ने उतारा मौत के घाट और शव को फेंका रेलवे ट्रैक पर। यह घटना मुंबई की है जहां एक प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। दरअसल गर्लफ्रेंड ने आरोपी को मस्ती मजाक में नल्ला बोल दिया था जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा और आरोपी ने गर्लफ्रेंड पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। तो एक पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी ने लाश को एक बोरी में डालकर माहिम स्थित रेलवे पटरी के किनारे लाश को फेंक कर फरार हो गया। आइए जानते हैं इस विषय पर जानकारी देते हुए DCP संदीप भाजी भाकरे ने क्या कुछ कहा। 9:15 बजे बॉम्बे सेंट्रल पुलिस स्टेशन को खबर मिली कि माहिम और माटुंगा के बीच में कुछ तो संचयित गनी बैग में कुछ तो पड़ा है। हमारे MCTPI श्री केदारी साहब और LCBKPI शेख साहब ये वहाँ पे स्पॉट पे गए अपनी डिटेक्शन की टीम के साथ। वहाँ पे जाने पे पता चला कि अंदर एक 30 साल की महिला की मृतदेह है। तो पोस्टमार्टम करने लेके गए, इंक्वेस्ट किया तो पता चला कि ये 30 साल की औरत जिसका नाम ग्राम कुछ पता नहीं, उसको पेट में 2-4 छुरे भूके गए और उसका गला काटा गया है। ये करने के बाद सबसे पहला चैलेंज पुलिस के पास में था कि इस महिला की आइडेंटिटी लगाना। तो इसके लिए हमने जब पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया कि ये महिला ऐसे ऐसे मिली है, तो जो जिस गनी बैग में इस महिला का मृतदेह था उस गनी बैग में जो कुछ लिखा हुआ था उससे क्लू लेके हमने गोरेगांव एरिया में हमारा कॉन्सेंट्रेट किया। तो हमें पता चला कि दिंडोशी पुलिस स्टेशन में एक सिमिलर वर्णन की महिला की मिसिंग की तकरार दाखिल है। आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होने के बाद में हमने जब तहकीकात की, हमारे डिटेक्शन ब्रांच MCTPI और आपके हमारे LCB के इंस्पेक्टर शेख और उनकी टीम, तो पता चला कि इस महिला का जिसके साथ काम करने वाला विकास खैरनार करके जो एक व्यक्ति है उसके साथ में इसकी घनिष्ठता थी और इनके कुछ पैसों को ले दे के भी कुछ चीज़ें इनके बारे में इनके बीच में चल रही थी। तो इस संशय के तौर पे उसको जब हमने इंट्रोगेट किया तब हमें पता चला कि यही आरोपी है और इसने इस महिला का मर्डर किया है। इनके हमने जब इनका रिकॉर्ड निकाला तो इनकी काफ़ी बातें होती रहती थी इनकी, तो इसने मतलब प्लान पहले से कर रखा था, इसने चाकू वाकू लेके रखा था और उसने जैसे हमेशा बुलाते ऐसे बुला लिया उसको। तो महिला को कुछ मालूम नहीं था, रोज़ काम पे भी जाती थी, उस तरह से उसने बुलाया उसको, मिलने के लिए बुलाया, वो सर्वेंट शौचालय में लेके गया और वहाँ पे जाके ओवर पावर करके उसको मार दिया।